हे गाइस, कैसे हैं आप सब? प्लीज़ इग्नोर कर देना, बहुत ही जल्दबाजी में ये वीडियो बन रही है। थोड़ी सी वीकनेस लग रही है मुझे, तो कोई भी काम कर नहीं पा रही हूँ ढंग से। बट ये वीडियो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने आपके साथ 7 डे स्किन केयर चैलेंज, एक्ने क्लियर एंड स्पॉटलेस स्किन केयर चैलेंज शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाइए चेक करिए। ये वीडियो इसलिए है कि अगर आपने वो स्किन केयर फॉलो किए हैं तो आपके पास लास्ट डे की जो डिटेल्स है वो होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं डे 8 में शेयर करूंगी, तो वो डे 8 में शूट ही नहीं कर पा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है उस हिसाब से। बट फिर भी मैं आपको डिटेल्स क्लियर कर देती हूँ। देखिए, अगर आप ये स्किन केयर फॉलो कर रहे हैं तो 7 दिनों तक आपने सारे स्टेप बखूबी अच्छे से फॉलो किए हैं, ठीक है? तो उसके बाद आपको क्या करना है, कम से कम 2 से 3 दिन का गैप देना है आपको। उसमें आपको ना ही स्क्रबिंग, स्टीमिंग कुछ भी नहीं करना है। जितने भी हार्ड स्टेप आपने बीच में फॉलो किए थे वो फॉलो नहीं करने हैं। आप चाहें तो सिर्फ आइस क्यूब रब कर सकते हो, जो हमने प्रिपेयर की थी डे 1 से ही, वो ही यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल वाली आइस क्यूब भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेस वॉश आप अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आप रेगुलरली यूज़ करते हो वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 2-3 दिन का भी हमें गैप देना है। उसमें आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, खान पान अच्छा रखना है, स्ट्रेस फ्री रहना है और अच्छी नींद लेनी है। ये सारी ही चीज़ें आपकी स्किन को इफ़ेक्ट करती हैं हेल्दी, ग्लोइंग और पिंपल क्लियर बनाने के लिए। अंदर से आप अच्छे रहेंगे तो बाहर से अच्छे दिखेंगे। तो आपने ये 7 दिन जो भी स्टेप फॉलो किए हैं उन सबको अभी 2-3 दिन के लिए गैप दीजिए। 2-3 दिन के गैप के बाद अगेन आपको ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देना है। 15 दिन आपको इन प्रोसेस को कम से कम फॉलो करना है, आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा। बट डेफिनेटली जितनी भी मैंने बातें आपके साथ सारे चैलेंज में शेयर की हैं वो आप फॉलो ज़रूर करें, तभी जाके कुछ ना कुछ असर दिखेगा। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ मिस कर गए तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ये सारे स्टेप को फॉलो करने के साथ साथ आपको वो बातें भी याद रखनी है जो मैंने आपके साथ एज अ एंड वीडियो में टिप्स के हिसाब से शेयर की थी। तो बस ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। मैं मिलती हूँ मेरी कोई नेक्स्ट न्यू वीडियो में, थोड़ा सा फ्रेश और एनर्जेटिक होने के बाद। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए। लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।